हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू ड्यूड राइज ब्लॉग्स। तो आज हम इंडोनेशिया से निकलने वाले हैं और 16 फरवरी आज तो अच्छा लग रहा है। आज निकलेंगे यहाँ से और करीबन 12 दिन के बाद हम पहुँचेंगे गुजरात, इंडिया। तो लेट्स सी कैसा लगता है पूरा सेलिंग। तो वीडियो में बने रहिए और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। और सपोर्ट ऑलवेज, तो गाइस बने रहिए। चलिए आपको दिखाता हूं मैं बाताम एंड सिंगापुर। तो लेट्स व्यू। श्रीलंका से आगे यानी इंडोनेशिया से निकले हुए हमको 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है और अभी स्पीड आ रही है 10.2 नॉट्स। बाकी बाहर का व्यूज़ बहुत अच्छा है, अब पता भी नहीं चल रहा है सिर्फ चल रहा है या नहीं। तो बाकी ऐसे चलते रहिए, बाकी क्या कर सकते हैं। अभी 11 बज चुके हैं और मुझे ब्रश व्रश कर लेना है, हम थोड़ा मुँह हाथ धो लूँगा क्योंकि रात में 12 बजे से 4 वॉच थी मेरी, तो आने के बाद में थोड़ा सोया। अब देखते हैं, बाकी लंच करते हैं टाइम से, बने रहिए वीडियो के साथ। ओके गाइस। अच्छा गाइस, आपको भी बड़ा मन कर रहा होगी ना कि ओपन सी में कैसा रहता है, वैसल कैसा चलता है ना। तो शो करता हूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए, ये मेरा पोर्टल है और यहाँ से हम बाहर की तरफ देखते हैं। चलिए, विंड बहुत तेज चल रही है। तो ये फ्रंट ऑफ व्यू और आगे से बल्ब जो है पानी को काटता हुआ चल रहा है, दिखा दे रहा है ना व्हाइट वाट। और ये ओपन सी हॉरिजॉन ब्लू स्ट्रेट लाइन जैसी लग रही है। और वैसल कैसे चल रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कहीं रुका हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। वैसे चल रहा है, देख रहे पानी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये 10.2 नॉट्स की स्पीड से चल रहा है वैसे। कैसा लगा आपको ओपन सी? और मज़ा आया होगा ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। बाकी सिस्टम को हम निकले थे और ईटी हमारी है 28 फरवरी को हम पहुँचेंगे गुजरात। तो बने रहे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, सपोर्ट मी एंड प्रेस बेल आइकन। सो गाइस, मैं तैयार भी हो गया हूँ और वॉच भी जाना मैंने और लंच भी कर लिया है। आज मैंने केकड़ा खाया पहली बार, बहुत बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, ट्राई कीजिए, खाया जाएगा। सो गाइस, रात को बज गए 4 और मैं अभी वॉच से आ रहा हूँ। अभी हमें थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट रेडी करना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। और पर मैंने देखा कि लैंड से हम करीबन 70 नॉटिकल माइल्स दूर पे हैं, तो नेटवर्क आ नहीं रहा है। तो कन्याकुमारी में पहुंच चुके हम लोग अभी, 481 नॉटिकल माइल्स दूर है गुजरात।
तो देखते हैं अभी कब तक पहुंचेंगे। मे भी 28 को पहुंच जाएंगे। बाकी नेटवर्क तो है नहीं, बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस ऑन शिप। आपके पास मूवी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत गेम्स होने चाहिए और म्यूजिक हो, तो उससे काम चलाना पड़ता है। हॉट प्लेट चालू करता हूँ अभी। तो ये है जीरो में, और अभी डाल दिया मैंने 5 में डाल दिया। अभी हॉट प्लेट गर्म हो जाएगा और थोड़े बहुत नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। तो गाइस हमने नाश्ता भी कर लिया। अभी पता है आंखें बहुत मोटी हो रही है, नींद आने वाली लग रही है। 5 बज चुके हैं और डेट होगी आज 24। चलिए गाइस साटम लो 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 साटम लो। वाह क्या लजीज बिरयानी है। वाह साटम लेंगे अभी थोड़ा बहुत, मैंने तो ले लिया। विनोद भाई अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके चल रहे हैं, हो गया सब, उन्होंने खा लिया है शायद। सेकंड साहब के लिए बिरयानी बनी है 27 डेट। क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है बिरयानी आपको? दिल्ली का बिरयानी मांग था, दिल्ली का बिरयानी, दिल्ली का बिरयानी मिलेगा। आज चीफ कुक ने हमारे लिए स्पेशल बिरयानी बना रखी है। अपने मीनू भाई बिरयानी का मजा ले रहे हैं विद कोल्ड ड्रिंक। लास्ट हो गया ना सिंगल, लास्ट बिरयानी को साहब, इसके बाद आएगी और बिरयानी रहेगा ना। 6 को बीचिंग कराओगे ना आप? 6 को बीचिंग कराएंगे और उस दिन लंच में बिरयानी खा के चले जाएंगे। कौन सा खाओगे, मटन बिरयानी कौन सा? होटल में क्या खाएगा? होटल में, होटल में कहाँ बिरयानी मिलेगी। बिरयानी खत्म हो गई, फिर से हम एक बार बिरयानी लेंगे। बहुत ही टेस्टी बिरयानी है आज। कोल्ड ड्रिंक कहाँ लेके जा रहे हो? सेकंड साहब पहले जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, योगर्ट भी चाहिए, और ऊपर से क्या चाहिए? दो वर्ड अच्छा बोलते हैं, इटली बोलते हैं। क्या था? मुझे सही है। ये हमारे चिपकू, इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। अभी चॉपिंग कर रहे हैं, कुछ शाम के लिए इंतजाम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल बनने वाला लग रहा है आज। क्या क्या मटर होता है क्या? अच्छा अच्छा शाम को मटन बनाने वाले हो, ये शाम को मटन बनने वाला है। चले लंच भी हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ काम है नहीं फिलहाल। तो कल दोपहर में पहुंचेंगे 12 बजे भावनगर। सही है, टोटल 28 डेज। तो अभी हम मुंबई के पास पहुंच चुके हैं और हमारी पोजीशन है 1 o'clock की यहाँ पे, और हमें कच्छ की खाड़ी में जाना है, ये गुजरात। और ये अल्ट्रेशन शायद रात को 7 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद हमें नेटवर्क यहाँ पे आएंगे ने 20 नॉटिकल हमारे दूर से है, और हमें नेटवर्क आएगा इसके पास यानी जफराबाद, जफराबाद यहाँ पे नेटवर्क आएंगे। तो टाइम लगेगा कल दोपहर तक। गाइस रात के बज गए हैं 3:30 और हम पहुंच चुके हैं दिवहट गुजरात। तो अभी लैंड से करीबन 6 नॉटिकल माइल्स है और एयरटेल में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इंटरनेट की कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी शायद मॉर्निंग में ही आएगा, 11 या 12 बजे के बाद ही नेटवर्क आएंगे एयरटेल में, उसके बाद यूज करते हैं। देखिए मतलब नेट चलाया नहीं है काफ़ी टाइम से, मज़ा आएगा, कुछ अपडेट्स नहीं मिले नहीं अभी तक। तो चलो अभी फ्रीजर में कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, देखते हैं क्या क्या मिलता है फ्रीजर के अंदर। हमारा स्टोर रूम बता दीजिए, ये है हमारा फ्रीजर। यहाँ पे है ये मेड रूम, मेड रूम, वेजिटेबल रूम,
डेयरी रूम जहाँ पे दूध दूध या जूस वूस हो सकता है, और ये हमारा फिश रूम। तो हम थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स बची यहाँ पे पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स बड़ा रहता है जूस वूस। तो अभी हम डेयरी रूम में जा रहे हैं, डेयरी रूम में बहुत कुछ है, अभी तो प्रोविजन ख़त्म हो चुका है, लाइफ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी बहुत सारी, और मुझे कुछ जूस चाहिए था, जूस ले लेते हैं। जूस भी भरी पड़ी है, पूरी पेटी भरी पड़ी है यहाँ पे। मैंगो जूस ले लेते हैं, ये है पाइन एप्पल जूस, ब्रेड्स पता नहीं क्या पड़ा है, मिल्क पड़ा है, सामान एग्स योगर्ट्स एग पड़ी हैं बहुत सारी। सो ब्रेड और मैंने थोड़ा एक जूस निकाल लिया मॉर्निंग अभी ब्रेकफास्ट के लिए। अभी वेजिटेबल रूम में जाते हैं, देखते हैं क्या। वेजिटेबल रूम में पोटैटोस हैं और ओनियंस कैसा हो रखा है, देखो ओनियंस जम गए पूरे, पौधे आ चुके हैं उससे। लेमन है, वेजिटेबल्स अभी ख़त्म होने वाला है क्योंकि अभी दो दिन बाद साइन अप हो जाएगा अपना। एप्पल्स हैं और पियर्स, बाकी वेजिटेबल में कुछ है नहीं, एप्पल हैं कोई खाता नहीं फिलहाल तो। और यहाँ से एक चीज़ भी ले लेते हैं, चीज़ बड़ी थी ये, चीज़ की पेटी पूरी, एक इसमें से चीज़ निकाल लेते हैं अपने लिए। ये यहाँ पे भी चीज़ पड़ी है बहुत सारी, योगर्ट पड़ा था, ये पूरा खाता कोई है नहीं। चलो निकलते हैं, ठंडा बहुत हो रहा है फ्रिज में। सो मैंने ले लिया थोड़ा बहुत चीज, एक पैकेट, और ब्रेड ले लिया, जूस ले लिया। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे वॉच के बाद। ये प्रोविजन स्टोर आज ओपन किया गया, तो सभी ने शॉपिंग की, बहुत सारे जैम है, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। ये प्रोविजन पूरा खुला पड़ा है आज, क्योंकि आज ही ओपन किया हुआ था। कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है, टमाटो केचप पड़ा है, बहुत सारे दालें पड़े हैं, मैगीज पड़ी है, और कॉर्नफ्लेक पड़े हैं, और बिस्किट की पूरी पेटी पड़ी है, और कप नूडल्स भी था, ABC, हाँ ये कप नूडल्स है। यहाँ पे बासमती राइस का पूरा बैग पड़ा है, 5 kg का था। तो अभी हम इसको रख देते हैं टेबल के पास, और जूस भी रखते हैं, अभी ठंडा है बहुत है जूस, और यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी हो रहा है कंपेयरिंग टू इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत ठंडा है। तो चीज़ भी ऐसे रखते हैं, बाद में टोस्ट में गर्म करके। सो अभी एग्जॉस्ट चालू करते हैं, गैली में आए और हॉट प्लेट चालू कर दिया है, 4 में रखा है मैंने फिलहाल, तो बाद में आएंगे। बाकी मैंने सब निकाल दिया, अभी मैं जाता हूँ फ्रिज में वॉच वापस। तो स्टेयर से यहाँ आराम से चढ़ने का पकड़ पकड़ के, यह बी डेक। बी डेक में बहुत सारे केबिन हैं, सारे केबिन हैं जितने नाम लिखे हुए हैं। अभी मैं अपनी केबिन की तरफ जाता हूँ क्योंकि फ्लैग लेना मुझे यहाँ से। तो भाई ये मेरा दूसरा केबिन है जिसमें खाली सोने आता हूँ, क्योंकि AC बंद पड़ी है तो गर्मी हो रही थी, और यहाँ पे पोर्ट होल्स खुलते हैं, और एक फिक्स्ड है जो खुलता नहीं है। और जो पुराना केबिन है मेरा, उसमें दोनों पोर्ट होल फिक्स थे, तो हवा आना आ जा नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, सिर्फ सोने के लिए आता हूँ। और ये मेरा पहला केबिन जहाँ पे मैंने सब कुछ सामान वैसे रखा हुआ है, बस पैकिंग करना बाकी है। कब ब्लैंकेट धो दिया था मैंने, सो मैं ये फ्लैग लेने आया था, चार्लिस टाउन पोर्ट ऑफ वेस्ट्री। तो गाइज आज हम पहुँच गए हैं गुजरात, और खारवा जी के साथ हम वॉच कंप्लीट करके आ गए हैं। खारवा जी अपने इंजन रूम से आ गए, और हम
ब्रिज वॉच करके आगे अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेड ब्रेड खा लेते हैं। और करवा जी क्या खाएंगे आप? अभी ब्रेड और मैगी खा लेता हूँ। आप तो मैगी खाते रहते हो, अंडे वंडे खाते नहीं हो? अंडे तो खाएंगे नहीं। हाँ, महाशिवरात्रि की, शिवरात्रि की आदि शुभकामना है यार। क्या बात है, आज तो विश कर लिया शिवरात्रि, आज सबको पता है, लेकिन आज ये तो हमारे साथ गलती हो रहा है, हम तो अंडे खा रहे हैं। क्या, चलिए अच्छा लगा। अभी अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद सोना भी है। वॉच 12 बजे से 4 तक होगी है, अभी नींद भी आ गई, अब है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो बाय बाय बोलो हरवा जी। बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ना सब्सक्राइबर हो ना आप मेरे? हाँ, मेरे सब्सक्राइबर हैं यार। चलिए ठीक है, थोड़ा एक्टिंग करते हैं। खारवा जी पूस वाला बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, चलो बोलिए। अरे ये पुष्पा झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। सही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 मार्च और वेसल को पिच करना है, और टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो अभी स्टारबोर्ड में है और वेसल की हेडिंग बीचिंग की तरफ, तो शायद आधे घंटे में बीच हो जाए। तो बीचिंग हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। देखिए सामने वेसल खड़ी है, हमारी भी बीचिंग होगी सक्सेसफुली। ओके, तो हम आ गए हैं आज इमिग्रेशन के लिए। सेकंड साहब कहीं इमिग्रेशन हो चुकी है, बाय बाय कर दो सेकंड साहब, ठीक है। और कुक साहब हमारे पीछे लाइन पर लगे हुए हैं, और ये साटा मैन फिट है। क्या कर रहे भाई, इमिग्रेशन कर रहे हो क्या? कर दिया हमारा हमारा देखो इमिग्रेशन चालू है। हाँ हाँ, ये पासपोर्ट है। हाँ हाँ, इंडिया में भी इमिग्रेशन हो रहा है, सब जगह होता है। अभी कोविड के मामले में अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अब फिटर फिटर क्या कर रहा है? फिटर को भी इमिग्रेशन चाहिए। चलिए दो बार हो गई। अपना नागू क्या कर रहा है? सो अभी किशोर और मैंने भी इमिग्रेशन करना है सपने, और मजा आ रहा है। अभी टाइम हो गया, कितना हो रहा है? टाइम अभी 6 बज गए हैं। ये अपना खरवा भाई, खरवा भाई अपने पासपोर्ट से किसी कायम वाले तरह से इसका भी। हां, पुष्पा का स्टाइल दिखा दो, पुष्पा का स्टाइल से दिखा दो, ऐसा मत करो। टी ब्रेक लेना, टी ब्रेक का चलो साटम, चलो चलो साटम। ये है साटम मुंबई से। अरे खारवा जी अभी बस पहुंच गए हमारे होटल के पास वाइट रोज। पीछे है फिटर पति साहब, हट साहब, ना कि हमारे खारवा जी। चले फिर खारवा जी, अभी आओगे आप होटल में? स्टे रहेगा ना, चेंज करोगे बचेंगे। चलिए चलते हैं होटल में। आप अभी हम होटल वाइट रोड के पास है, और ये मेरा केबिन है, तो सही है। वन नाइट स्टे करूँगा, और कल इवनिंग की मेरी ट्रेन टिकट है, तो अहमदाबाद से मैं दिल्ली आऊँगा, और 6 की मॉर्निंग को पहुँचने वाला हूँ। यह है गुजरात का हाईवे, देखो कितनी गंदगी है, धूल मिट्टी बस ऐसे ही यहाँ पे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, रात बहुत हो चुकी है और मुझे सोना है। कल सुबह मुझे मॉर्निंग में बस पकड़नी है अहमदाबाद के लिए। तो गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, प्रेस बेल आइकन। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।